हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेफेरियम टोकन के न्यू अपडेट के बारे में, साथ ही में बर्निंग के बारे में, और साथ ही में बताऊंगा कि क्या ये $1 जा सकता है या नहीं। इसकी जो प्राइस है वो 0.40 के बाद $1 चल रही है। 72% का इसमें ग्रोथ देखने को मिला है एंड इसका जो मार्केट कैप है वो $7.7 मिलियन का हो चुका है। $1 मिलियन की लिक्विडिटी लॉक है जो एक साल के लिए है। अब यहाँ पर ग्राफ देखते हैं तो इसने आज एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है जो 0.40 के बाद $1,285 का न्यू ऑल टाइम हाई है, और अपने ऑल टाइम लो से ऑल टाइम हाई तक इसने 12x यानी कि 12x का रिटर्न दिया है जो काफ़ी बड़ा रिटर्न है। अब यहाँ पर इसके ट्विटर अकाउंट की बात करते हैं तो ट्विटर अकाउंट पर इनके 10,900 फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं और इनका ट्विटर अकाउंट भी वेरीफाइड है। सेफेरियम टोकन ने यहाँ पर 4 घंटे पहले ट्वीट किया है, वी हैव जस्ट बर्न ए टोटल ऑफ 5,66,00,000 सेफेरियम टोकन विद ए टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ $40,900। यानी कि सेफेरियम टोकन ने $40,900 के टोकन को बर्न किया है जिनकी क्वांटिटी 5.6 अरब टोकन्स हैं, जो काफ़ी बड़ी तादाद में इन्होंने बर्निंग की है। साथ ही में इन्होंने इतर स्कैन का प्रूफ भी दिया है। ट्विटर अकाउंट पर इनके लिंक है, यहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं इन्होंने कब बर्न किया था। अब यहाँ पर डेक्सटूल वेबसाइट की वेबसाइट यानी कि आप डेक्सटूल पर इसका चार्ट वगैरह, मार्केट कैप वगैरह एंड सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई, सब कुछ डेक्सटूल वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं। साथ ही में सलम डोज मिलियनरी ने 8 घंटे पहले ट्वीट किया है, आई जस्ट बॉट ऑफ $1,000 वर्थ ऑफ सेफेरियम। यानी कि इन्होंने $1,000 के सेफेरियम टोकन बाय किए हैं जो काफ़ी बड़ी तादाद में बाय किए हैं। यानी कि इंडियन रुपीज के हिसाब से बात की जाए तो 80,000 या 90,000 रुपये के इन्होंने टोकन बाय किए हैं। एंड में आपको बता दूं कि बिटमार्ट पर इनकी लिस्टिंग हो चुकी है, आप बिटमार्ट के जरिए इसको बाय सेल कर सकते हैं। डिपॉजिट भी ओपन हो चुका है, ट्रेड एंड विड्रॉ भी इसका ओपन हो चुका है। आप बिटमार्ट अगर यूज करते हैं तो सेफेरियम टोकन को बाय सेल यहां से कर सकते हैं। जिन्होंने पहले इसको बाय किया हुआ है वो यहाँ पर बिटमार्ट एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र करके ट्रेड कर सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि क्या सेफेरियम टोकन $1 जा सकता है या नहीं, और $1 जाएगा तो कब तक जा सकता है। अब सेफेरियम टोकन की जो प्राइस है वो 0.40 के बाद $1 चल रही है, और अभी जो मार्केट कैप है वो $7 मिलियन का है, $7.9 मिलियन यानी कि लगभग $8 मिलियन का। अब यहाँ पर अगर 4 जीरो किल करता है तो 4 जीरो किल करने के लिए इनको $700 बिलियन का मार्केट कैप चाहिए, जो बिटकॉइन से भी ज़्यादा मार्केट कैप हो चुका है, क्योंकि बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है वो $500 बिलियन के लगभग बिटकॉइन का मार्केट कैप है, और इसको $1 जाने के लिए $700 बिलियन का मार्केट कैप चाहिए। तो इसका $700 बिलियन मार्केट कैप जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये अगर पूरे एक्सचेंज यानी जितने भी एक्सचेंजेस सब पर ही, अगर बाइनेंस पर भी लिस्ट हो जाता है तब भी $700 बिलियन मार्केट कैप इसका नहीं जा सकता, और ये $1 तो कभी भी नहीं जा सकता। अगर बात की जाए $1 कब तक जाएगा तो लगभग ये $1 2040-2050 तक जा सकता है। एंड आपकी क्या राय है आप कमेंट करके बताइए कि कब तक ये $1 जा सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कॉमेंट जरूर करना, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।